वेलकम फ्रेंड्स माय नेम इज भूपेश पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल आज के हमारे लेक्चर में टॉपिक है जीरोस ऑफ अ हम मैथ्स सीबीएसई एनसीईआरटी का चैप्टर टू कर रहे हैं पोलिनॉमिल और उसमें ये सेकंड टॉपिक है जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमल तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझते हैं वट इज जीरोज ऑफ अ पोलिनॉमिल और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोलिनॉमिल बच्चों आप सब किसी पॉलिनोमियल का जनरल रिप्रेजेंटेशन जानते हो किसी पॉलिनोमियल को आप रिप्रेजेंट करते हो जब तो पी एक्स से उसे रिप्रेजेंट करते हो ये पी क्या है ये नाम है जैसे मेरा नाम भूपेश है आपका नाम रोहन मोहन सोहन कुछ भी है ठीक है वैसे पी इज द नेम ऑफ दैट पॉलिनॉमल दिस एक्स सिग्निफाइज द वेरिएबल प्रेजेंट इन दैट पॉलिनॉमल होता क्या है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल हो विद नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर तो ये जो वेरिएबल मौजूद है उसको आप x या t या w या t w y जो भी वेरिएबल मौजूद है उस में उसे आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हो और पॉलिनामियल का एक नाम होता है जिसे आप p q r s t कुछ भी ऐसे लिखते हो ठीक है तो px का क्या मतलब है एक पॉलिनोम है जिसका वेरिएबल है x तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा पी एक्स से ठीक है तो जनरल पॉलिनॉमल ठीक है या जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनॉमल होता है ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन करते करते ए एन एक्स की पावर जीरो यहाँ पर ए नॉट ए वन ए टू डैश डैश ए एन ए थ्री ए फोर यह सब क्या है कॉन्स्टेंट्स हैं ठीक है थीके? और x इज द वेरिएबल और इसकी जो पावर है n n क्या है एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है ठीक है तो ये जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनॉमल है तो कुछ एग्जांपल्स पॉलिनॉमल्स के आप देखिए जैसे मैंने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन अब ये एक पॉलिनोमियल है ठीक है इसमें वेरिएबल कौन है एक्स तो मैंने इस पॉलिनोमल का नाम पी एक्स लिख दिया एक्स इंडिकेट करता है जो वेरिएबल यूज हो होगा जो वेरिएबल यूज होगा इस पॉलिनोम में ठीक है उसी तरह एक दूसरा पॉलिनॉमल मैंने लिखा जी टी जी इज द नेम ऑफ द एंड पोलिनॉमिली इंडिकेट्स द वेरिएबल यूज इन दैट पॉलिनोम ठीक है मैं यहाँ पर पी टी भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर एफ टी भी लिख सकता हूँ कुछ भी लिख सकता हूँ एफ इज द नेम जी इज द नेम पी इज द नेम एंड जो चीज ब्रैकेट में लिखी है वो इंडिकेट करती है कि वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है इस पॉलिनॉमिल में ठीक है तो ये एक हमारा दूसरा पोलिनॉमिल है तो एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट जो आप ध्यान से देखिए If we replace the variable by a constant, a number, मतलब अगर आप variable की जगह पर एक number put कर दो, ठीक है? तो हमें क्या मिल जाएगा? We get the value of polynomial at that constant या for that constant, मतलब अगर ये एक general polynomial है, ठीक है? ये condition है, ये condition है, ये पूरी एक condition है t square minus 2t plus 1, ये condition है ठीक है अगर आप t की जगह पर जीरो पुट कर दो मतलब कोई भी वैल्यू पुट कर दो मान लीजिए जीरो पुट करो तो आंसर क्या आ जाएगा t की जगह जीरो जीरो का स्क्वायर इज जीरो और t की जगह जीरो तो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ये पूरा पार्ट जीरो बचेगा वन मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू एट t इज इक्वल टू जीरो एट द वेरिएबल t इज इक्वल टू जीरो कितनी होगी वन उसी तरह आप t की जगह वन पुट करो तो कुछ और आंसर आ जाएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू कुछ और हो जाएगी ठीक है टी की जगह कोई कांस्टेंट पुट करो तो उस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग पॉलिनामेल की एक फिक्स्ड वैल्यू हो जाएगी एक वैल्यू एक नंबर निकल के आएगा जब आप इस वेरिएबल की जगह पर एक कांस्टेंट को रिप्लेस करोगे तो आपको इधर भी उसी वेरिएबल की जगह उसी कांस्टेंट को रिप्लेस करना होगा तो एक नंबर फाइनल एक निकल के आएगा जो कहता है कि वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनॉमल एट दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज दिस ठीक है समझ में आया चलिए इसको हम और समझते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इन एग्जाम्पल नंबर वन आप एग्जाम्पल नंबर वन देखो दिस पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन ठीक है तो पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन इसमें अगर आप x की जगह पर वन पुट करो ये जो आप पुट करते हो x की जगह पर वन इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से p ब्रैकेट के अंदर वन पी और ब्रैकेट पी तो पॉलिनोमियल का नाम है और वन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वेरिएबल की जगह पर अब हमने क्या रख दिया वन तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की जगह पर आप वन को रिप्लेस करो जैसे एक्स की जगह पर अब हमने वन को रिप्लेस किया तो आंसर कितना मिल गया फोर तो आप लिखोगे पी वन इज इक्वल टू फोर इफ मतलब अगर पोलिनॉमल क्या है पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन ठीक है अगर पॉलिनामेल ये है Px 3x 1, तो जब आपने वेरिएबल की जगह वन रखा तो आंसर आपका मिला फोर ठीक है उसी तरह अगर आप वेरिएबल एक्स की जगह पर माइनस वन रख दो इसी पॉलिनोमियल में तो क्या मिल जाएगा पी माइनस वन पी माइनस वन का मतलब क्या होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल वेन वेरिएबल इज माइनस वन ये वेरिएबल की जगह सिर्फ रिप्लेसमेंट किया जा रहा है ठीक है तो p माइनस वन कितना हो जाएगा तो सिर्फ वेरिएबल की जगह ध्यान रखो ना थ्री से पहले ना वन से पहले जो प्लस लगा है उन वो दोनों चेंज नहीं होंगे ठीक है सिर्फ वेरिएबल की जगह पर माइनस वन होगा वो भी ब्रैकेट के साथ अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो एरर हो जाएगी क्यों क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर क्या लिखेंगे थ्री माइनस वन इज इक्व टू टू प्लस वन इज इक्व टू थ्री ठीक है तो ब्रैकेट लगाने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रैकेट से आपको पता चलेगा कि मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है थ्री इंटू माइनस वन है ये थ्री माइनस वन नहीं है

अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर टू में एग्जाम्पल नंबर टू में हम एक दूसरा पोलिनॉमल लेते हैं जी टी ये जी पॉलिनॉमल का नाम है और टी इंडिकेट कर रहा है कि पॉलिनॉमल में वेरिएबल कौन है टी तो जी टी की वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन ये पॉलिनॉमल की वैल्यू ये पॉलिनॉमिल है ठीक है तो इट इज़ अ हुज वेरिएबल इज टी ठीक है ये एक पॉलिनॉमल है जिसका वेरिएबल कौन है टी तो अगर आप टी को वन रख दो ठीक है अगर टी को वन रख दो पुट कर दो तो आप क्या लिखोगे इसको जी वन ठीक है बिकॉज टी की जगह पर अब कौन आ गया वन तो जी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस वन ठीक है टी की जगह हमने वन रिप्लेस करो तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना मिल रहा है आपको जीरो मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमल कितनी हो जा रही है जीरो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बड़े ध्यान से सुनो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमल एट एनी कॉन्स्टेंट हम कोई भी कांस्टेंट पुट करें वेरिएबल की जगह तो उस कांस्टेंट के लिए हमें पॉलिनोमियल की एक वैल्यू मिल जाएगी ठीक अगर वैल्यू ऑफ वेरिएबल ठीक है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वेरिएबल की वो वैल्यू जैसे यहाँ पर वन है वैल्यू ऑफ वेरिएबल वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे ठीक है जिसपे वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल जीरो हो जाए ठीक है वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू या पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाए उसे आप उस वैल्यू ऑफ वेरिएबल को आप जीरो ऑफ़ दैट पॉलिनोमियल या रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ दैट पॉलिनोमियल कहते हो फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूँ इस एग्जाम्पल को देख के कि टी इज इक्वल टू वन टी की जगह पे मैंने वन रखा था ना टी इज इक्वल टू वन इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ठीक है पॉलीनोमियल कौन जी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन इस पॉलीनोमियल का एक जीरो या एक रूट वन है ठीक है मतलब अगर टी की जगह आप वन पुट करोगे तो इस पॉलीनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो सॉल्व करके जीरो हो जाएगी ठीक है तो इसका एक रूट कौन है वन या एक जीरो कौन है ऑफ दिस पॉलिनॉमियल वन ठीक है तो टी इज इक्वल टू वन इज अ जीरो ऑफ़ द पोलिनल दिस ये आप कह सकते हो ठीक है तो यहां से जीरो ऑफ़ द पोलिनल समझे जीरो ऑफ़ द पोलिनल ओवरऑल मैं कंक्लूड कर देता हूं क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनॉमल वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल होता है जिसको अगर आप पुट कर दो तो पॉलिनॉमल की वैल्यू सॉल्व करके जीरो आ जाती है ठीक है वो सारी वैल्यूज़ को आप उस पॉलिनॉमिल का जीरोज बोलोगे ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और अगर वैल्यू जीरो नहीं होती है, ठीक है तो फिर वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनॉमियल आपको निकलती है उस पर्टिकुलर वेरिएबल पर ठीक है अब क्वेश्चन करते हैं दो क्वेश्चन ठीक है अब हमें चेक करना है कि माइनस टू एंड प्लस टू आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल दिस ये एक पॉलिनॉमियल दे रखा है अब इसके जीरोज माइनस टू है कि नहीं है और प्लस टू है कि नहीं है इसका जीरो ये हमें चेक करना है तो आप लिखोगे कैसे पहले लेट द पॉलिनोमियल बी लेट द पॉलिनियल बी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू मान लेते हैं पोलिनल का एक नाम हमने रख दिया पी तो और एक्स वेरिएबल था तो पी एक्स हमने पोलिनल कहा एक्स प्लस टू हमें गिवन ठीक है तो अब अगर हमें माइनस टू को चेक करना है ठीक है ना फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस टू अगर हमें एक्स की जगह माइनस टू को पुट करा ठीक है पुट करना पड़ेगा तभी चेक कर पाओगे तो p माइनस टू कितना हो जाएगा बिकॉज x की जगह माइनस टू रख दिया तो ये हो जाएगा x की जगह माइनस टू रखा और बाहर तो प्लस टू पहले से था सॉल्व करोगे जीरो आ गया ठीक है तो माइनस टू पर ये जीरो आ जा रहा है ना पॉलिनॉमल तो आप बोलोगे देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमल जीरो ऑफ द पॉलिनॉमल ठीक है पॉलिनॉमल या माइनस टू इज द जीरो ऑफ दट ऑफ द पॉलिनॉमल ठीक है उसी तरह प्लस टू तो को चेक करो तो एक्स इज इक्वल टू प्लस टू फुट करोगे तो पी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू प्लस टू दैट इज फोर विच इज नॉट इक्वल टू जीरो तो आप लिखोगे देअर फोर टू इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमल इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमल ठीक है कितना ईजी क्वेश्चन था बस ये देखना है कि वेरिएबल की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो अगर तो फाइनल सॉल्यूशन पॉलिनॉमल की वैल्यू जीरो अगर आ गई तो ये वैल्यू जो आपने पुट करी थी वो वैल्यू इस पॉलिनॉमल का जीरो हो जाएगा वरना नहीं होगा ठीक है और अगर पूछे कि x इक्वल टू माइनस टू पर पॉलिनॉमल की वैल्यू कितनी हो जाए तो वैल्यू जीरो हो जाएगी ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू फाइंड अ जीरो ऑफ़ द पॉलिनल दिस इस बार यहां पर क्या था यहां पर आपको नंबर्स दे दिए थे वेरिएबल्स की वैल्यू दे दी थी और आपको पूछ दी कि चेक करो कि क्या ये जीरो ऑफ दस पॉलिनॉमल है कि नहीं है अब क्या बोल रहा है अब आपको बोल रहा है कि खुद ही आप जीरो ऑफ़ द पोलिनॉमल ढूंढ के लाओ ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो फाइंड द जीरो ऑफ़ द पोलिनॉमल तो जीरो ऑफ़ द पोलिनल जीरो ऑफ़ द पोलिनॉमल हमें फाइंड करना है ठीक है तो आप क्या लिखोगे आप लिखोगे द वैल्यू ऑफ वेरिएबल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वेरिएबल एक्स एट विच पी एक्स इज इक्वल टू जीरो जीरो ऑफ द पॉलिनॉमल ठीक है जीरो ऑफ पॉलिनामल जीरो ऑफ पॉलिनामल क्या होता है वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट इज एक्स यहां पर यहां पर टी ठीक है वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिस पर पोलिनॉमल की वैल्यू जीरो हो जाए उसे जीरो ऑफ़ द पोलिनॉमल बोलते हैं तो पी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए तो पी एक्स कितना है टू एक्स प्लस वन की वैल्यू जीरो हो जाए जब आप इसको सॉल्व करोगे ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया जिसको आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो तो टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा एक्स यहाँ से आएगा माइनस वन बाय टू तो एक ही वैल्यू हमें मिली एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू तो आप बोलोगे दे और फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू इज a zero of this polynomial this polynomial px is equal to 2x एक्स प्लस वन ठीक है तो यहाँ पर आप इस तरीके से आप जीरो ऑफ़ द पोलिनॉमल फाइंड भी कर सकते हो और इस क्वेश्चन से आप जीरो ऑफ़ द पॉलिनॉमल है कि नहीं ये चेक भी कर सकते हो ठीक है तो इस क्लास में बस इतना ही आज हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमल वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनॉम्यल ठीक है एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट सॉरी एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकालना सीखा ठीक है समझना सीखा इसको तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज टू पॉइंट टू ऑफ दिस चैप्टर पोरिनमिल्स तो इस लेक्चर में बस इतना ही होप यू लाइक द लेक्चर हैव अ नाइस डे थैंक यू वेरी मच